तो गाइस आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं मैं पार्ट टू, जिसके अंदर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो आप ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं कि आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेस करते हो बिजनेस पर्पस के लिए तो क्या आपको उसका जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो पे लाइक और शेयर तो बनता है। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे लाल बटन उसको दबाओ ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। सो गाइस, अब मैं बात करता हूं कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो क्या आपको जीएसटी जो आपने पे किया है मोटर व्हीकल खरीदते वक्त, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा के नहीं मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में वैसे इस वीडियो में बता चुका हूं, आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मोटर व्हीकल आप परचेज कर रहे हो, गाड़ी परचेज कर रहे हो, ट्रक परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप वो परचेज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, आपका बिजनेस कुछ भी हो लेकिन आप जो ट्रक टेम्पो खरीद रहे हो, कोई भी व्हीकल परचेज कर रहे हो उससे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करोगे, यानी कि आपका जो सामान है उसको सप्लाई करोगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप सामान की डिलीवरी करोगे, तो यहां पे दोस्तों आपको बिल्कुल जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपका कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री हो, चाहे आप होलसेल का काम करते हो, चाहे आप रिटेल का काम करते हो, इवन आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए उस मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो तो आप बेनिफिट ले सकते हो। सो गाइस, अब मैं बात करता हूं कि आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करने के लिए, यानी कि आपने पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो क्या उस केस में जो आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो उसका बेनिफिट ले सकते हो। अब गाइस इसके अंदर दो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि आपने जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए जो भी गाड़ी खरीदी, जो भी टेम्पो ट्रेवल लिया, जो भी बस खरीदी, उसकी सीटिंग कैपेसिटी अगर आपकी 13 लोगों से ज्यादा की है तो आप जो भी मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो उस पर आपने जो जीएसटी दिया है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस के अंदर जो दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से सुनना है कि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए कोई भी मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा की नहीं है ड्राइवर को मिला के, तो उस केस के अंदर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब यहां पे दोस्तों एक्सेप्शन है जीएसटी एक्ट के अंदर कि आपको सिर्फ 3 केस के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इन 3 केस में आते हो तो आपके पास आपको सीटिंग कैपेसिटी नहीं देखनी है, इसका मतलब 13 लोगों से ज्यादा ना हो तो भी सीटिंग कैपेसिटी, अगर आपकी 13 लोगों से ज्यादा की नहीं है मोटर व्हीकल की तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो 3 केस कौन कौन से हैं? पहला, अगर आपका बिजनेस है सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि आपका बिजनेस ही है क्या करना मोटर व्हीकल्स की, आपने क्या कर रखी है दोस्तों, सपोज आपने होंडा की एजेंसी ले रखी है तो आपने होंडा सिटी कंपनी से ली, होंडा सिटी कंपनी से, और आगे कस्टमर को बेच दी, तो ऑब्वियसली आपको यहां पे जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, या आप बिजनेस करते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, आपका बिजनेस ही क्या है टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, आप पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आपका बिजनेस यही है, तो भी आप जो भी मोटर व्हीकल खरीदोगे उसमें आपको सीटिंग कैपेसिटी नहीं देखनी, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तीसरा, आप बिजनेस करते हो, आप कोई ड्राइविंग स्कूल चलाते हो तो भी आप जो है जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हो, उसमें आपको सीटिंग कैपेसिटी नहीं देखनी है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका अप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।